हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमएम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम आज रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डायरेक्शन। हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन के टॉपिक में कुछ 5-6 फंडे पढ़ने हैं। पहला फंडा आपका होगा पैटर्न, पैटर्न बेस्ड। दूसरा फंडा होगा आपका एंगल बेस्ड। तीसरा जो आपका फंडा है वो होगा डायरेक्शन इल्यूजन, डायरेक्शन इल्यूजन जिसे दिशा भ्रम भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस। तीसरा होगा हमारा डिस्टेंस बेस्ड और लास्ट है शैडो बेस्ड। हमें इस तरीके से डिस्टेंस और डायरेक्शंस को पढ़ना होगा। तो आइए बात करते हैं कि डायरेक्शंस होती क्या है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा किताबों में कि 4 तरीके की बेसिक डायरेक्शंस होती हैं आपकी, लेकिन होती 2 तरीके की ये। एक होती है आपकी मेन डायरेक्शंस, जिसे आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के नाम से जानते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है सब डायरेक्शंस की। सब डायरेक्शंस में आपकी डायरेक्शंस जो आएंगी वो होंगी नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अगर मैं ये कहना चाहूं कि जो मेन डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती है, तो देखो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। लेकिन अगर मैं सब डायरेक्शंस की बात करूं तो सबको ये लगता है कि 45 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन एक मेन डायरेक्शन और एक नॉर्थ ईस्ट यानी कि सब डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन होती है आपकी 45 डिग्री पर, लेकिन सब डायरेक्शंस की बात करूं तो सब डायरेक्शंस एक दूसरे को तो 90 डिग्री पर ही काटती है। अगर मैं साउथ वेस्ट की बात करूं और साउथ ईस्ट की बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो मेन डायरेक्शन एक दूसरे को काटती 90 डिग्री पर और सब डायरेक्शन एक दूसरे को काटती है 90 डिग्री पर, लेकिन एक सब डायरेक्शन और एक मेन डायरेक्शन की बात लूं तो 45 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। लेकिन एक बात देखिए, अगर मेरे को कोई बोले कि सब डायरेक्शन को शो करना है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, अगर नॉर्थ से एक डिग्री भी इधर आ जाए, एक डिग्री भी इधर आ जाए तो भी ये नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगी। अगर 2 डिग्री आ जाए, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, ये पूरा का पूरा जो रीजन होता है ये किसका होता है, नॉर्थ ईस्ट का ही होता है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व जब हम करेंगे, अगर आपको ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहीं मिल जाए तो उन दोनों के बीच में आपको एंगल 45 ही लेना होगा। अगर मान लीजिए एक बंदा है चिंटू, यहां पर खड़ा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर चिंटू को बोला जाए कि राइट मोड, तो अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है जैसे मैं खड़ा हूं, तो ये इसका लेफ्ट हैंड होना चाहिए और ये इसका राइट हैंड होना चाहिए। अगर चिंटू को बोला जाए कि राइट में मुड़ो, तो राइट में मुड़ने के बाद वो कहां देखेगा, ईस्ट में देखेगा कि नहीं देखेगा, राइट में मुड़ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन आपका क्लॉक का होता है और इसी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर लेफ्ट मुड़ने को बोले तो लेफ्ट मुड़ेगा तो चिंटू कहां देखेगा, वेस्ट की तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा, इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर ये मेंशन नहीं कर रखा है कि इतना डिग्री मुड़ना है, उतना डिग्री मुड़ना है, अगर आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि एक आदमी है राइट मुड़ना है तो आपको 90 डिग्री इसको टर्न लेना है, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट में आप इसको कितना डिग्री टर्न ले लोगे, 90 डिग्री ही टर्न ले लोगे। आइए बात करते हैं पैटर्न बेस्ड की। तो हमने पढ़ा कि हमारी 2 तरीके की डायरेक्शंस होती है, मेन डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपकी मेन डायरेक्शंस हैं जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद आपकी दूसरी तरीके की डायरेक्शंस होती है सब डायरेक्शंस, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करती है। लेकिन अगर एक मेन डायरेक्शन एक सब डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ये 45 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी।
दूसरी बात यह कि पूरा का पूरा जो रीजन होता है, एक डिग्री इधर एक डिग्री इधर, ये पूरा पूरा रीजन किसका होता है? आपका सब डायरेक्शंस का। और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी एंगल में मेंशन नहीं कर रखा है तो आप सीधा सीधा उसे कितना डिग्री मुड़ाएंगे? 90 डिग्री मुड़ाएंगे। अगर आपको बोल दिया कि लेफ्ट टर्न लेना है तो आपको 90 डिग्री लेफ्ट में मुड़ना है। अगर आपको बोल दिया कि राइट टर्न लेना है तो आपको 90 डिग्री कहां पर मुड़ना है? राइट में मुड़ना पड़ेगा। आइए बात करते हैं पैटर्न बेस पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही छोटा सा। मान लीजिए ये चिंटू है, ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। इसे कमांड मिला है कि लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर वापस लेफ्ट मुड़कर, फिर लेफ्ट मुड़कर, लेफ्ट मुड़कर ये आदमी रुक जाता है। हमें ये बताना है कि ये किस डायरेक्शन में अब फेस करके खड़ा होगा। तो जनरली बच्चा क्या करता है, डायग्राम बनाएगा पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। चिंटू अभी कहां देख रहा है? नॉर्थ में, यानी कि यहां पर खड़ा है, नॉर्थ में देख रहा है। तो ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड हो जाएगा। अब नॉर्थ में देख रहा है, मैं मान लेता हूं चिंटू की खोपड़ी है, ठीक है, ये चिंटू यहां पर खड़ा है। सबसे पहले कमांड मिला इसको लेफ्ट का, लेफ्ट मुड़ा है लेकिन कोई एंगल मेंशन नहीं कर रखा है, इसका मतलब हमें पूरा 90 डिग्री मुड़ाना है। तो लेफ्ट में अगर मैं 90 डिग्री मुड़ाऊंगा तो अभी चिंटू वेस्ट में देखेगा। अब यहां से इसे क्या कमांड मिला है कि इसे राइट में मुड़ना है, तो राइट में मुड़ेगा। उसके बाद फिर से एक बार राइट में मुड़ेगा, फिर से एक बार राइट में, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट। चिंटू अब कहां देख रहा है? फाइनली वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ये चिंटू का फाइनल जो डायरेक्शन होगा वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन एग्जाम में ऐसा करना ही नहीं है। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ईस्ट वेस्ट जो भी आपको डायरेक्शन दे रखी है, उसके बाद पूरी लाइन लिख रखी होगी कि बाएं मुड़ता दाएं मुड़ता लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट। आप क्या करो, आप ये छाट लो कि कितनी बार लेफ्ट दे रखा है, कितनी बार राइट दे रखा है। अब अगर मेरे को कोई बोले, मैं इधर देख रहा हूं, मेरे को बोलेगा कि कोई राइट में मुड़ना है तो मैं सीधा सीधा यहां मुड़ जाऊंगा। लेकिन दोबारा अगर कोई बोलेगा कि फिर से लेफ्ट में मुड़ जाओ तो मैं आपके पास आ जाऊंगा सीधा सीधा। कोई मतलब निकला क्या मुड़ने का? इसका मतलब ये कि लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के बाजे बजाता है। इसका मतलब लेफ्ट से राइट उड़ गया, राइट से ये लेफ्ट उड़ गया, राइट से ये लेफ्ट उड़ गया, जिंदगी में क्या रह गया? सिर्फ लेफ्ट। यानी कि नॉर्थ में देख रहा था, एक बार लेफ्ट मुड़ाओ आंसर पाओ, क्या आ जाएगा? सीधा सीधा वेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ऐसा कैसा सिंपल सा। मान लीजिए चिंटू साउथ की तरफ देख रहा है, कहां देख रहा है? साउथ की तरफ। इसे कमांड मिला है राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट और लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल फेसिंग ऑफ चिंटू, अभी कहां देख रहा है? साउथ में। तो हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है, आप सिंपल सा देखो कितनी बार राइट आ रहा है। देखो राइट से लेफ्ट गया, लेफ्ट से इस राइट के बाजे बज गए, इस राइट से इस लेफ्ट के बाजे बज गए, क्या रह गया? सिर्फ लेफ्ट रह गया। और साउथ में देख रहा है मतलब ऐसे देख रहा है, और लेफ्ट में मुड़ना है मतलब इधर की तरफ मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा? यानी चिंटू की जो फाइनल फेसिंग होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी ईस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आने वाले जो क्वेश्चन करेंगे हम डिस्टेंस बेस्ड पाइथागोरस बेस्ड, उसमें इसका काफी यूज होगा। आपको कोई पेन पेपर कुछ नहीं लगाना है, आपको बस क्वेश्चन में देखना है कितनी बार लेफ्ट है कितनी बार राइट है। अगर जितने लेफ्ट है उतने ही राइट आ जाए तो चिंटू कहीं नहीं जाएगा, अपनी पोजीशन पे पड़ा रहेगा। साउथ में है तो साउथ में रहेगा, नॉर्थ में है तो नॉर्थ में रहेगा। तो आइए देखते हैं पैटर्न बेस्ड पे एक क्वेश्चन सिंपल सा जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है एसएससी के। क्वेश्चन ये है, चिंटू को उठा लेते हैं। चिंटू इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन टू सी In south direction, to see in south direction, which of the following order should he follow? आपको ऑप्शन में दे रखा है, चार ऑप्शन ले लेते हैं। आपको दे रखा है क्वेश्चन ये है कि चिंटू अभी नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, अगर उसे कौन सी डायरेक्शन में देखना है? साउथ डायरेक्शन में देखना है, तो उसको उसमें से कौन सा ऑर्डर या फिर कमांड फॉलो करना पड़ेगा? तो जनरली अगर बच्चे को लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट नहीं पता है तो वो क्या करेगा, डायग्राम बनाएगा पहले, तो
पहले डायग्राम बनाएगा, चिंटू को नॉर्थ में दिखाएगा, फिर एक एक जो भी आपका ऑप्शन है उस कमांड को फॉलो करवाएगा, जहां से साउथ मिल जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखो, अगर चिंटू नॉर्थ में देख रहा है, चिंटू कहां देख रहा है अभी, नॉर्थ में देख रहा है, तो सीधी सी बात ये लेफ्ट एंड और ये इसका राइट एंड हो जाएगा। अगर इसे साउथ डायरेक्शन में देखना है तो या तो इसे दो बार अपने लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा या फिर इसे दो बार अपने राइट में मुड़ना पड़ेगा, नहीं मुड़ना पड़ेगा तो। और मुझे पता है कि कितना भी कमांड दे रखा हो आपको, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो अपन देखिए, जहां से भी अपने को या तो दो बार लेफ्ट मिल जाए या फिर अपने को दो बार राइट मिल जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट, क्या रह गया, एक लेफ्ट, जो कि हमारा आंसर नहीं है। यहां से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक बार राइट मिल गया, यह भी हमारा आंसर नहीं है। आप देखिए, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया। अब देखो आप ध्यान से, तो यहां पर दो बार लेफ्ट बच गया कि नहीं बच गया, इसका मतलब चिंटू दो बार लेफ्ट मुड़ेगा तो सीधा सीधा कौन सी डायरेक्शन में देखेगा, साउथ डायरेक्शन में देखेगा कि नहीं देखेगा। आगे का ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पैटर्न बेस्ड पे इसी तरीके के छोटे मोटे सवाल बनते हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह फंडा नहीं पता है तो आप इसका बेसिक डायग्राम बनाओगे, आप एक एक ऑप्शन को चेक करोगे, लेफ्ट राइट मुड़ा के देखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। हमारा मेन मोटो यह है कि आप एक या दो सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। तो आप जब भी पैटर्न बेस्ड का क्वेश्चन आए, आप आपके डायरेक्शंस लिख लो और लेफ्ट और राइट का जो भी कॉम्बिनेशन उसको कैंसिल आउट करते जाओ, जो रह जाए उस डायरेक्शन में इसको मुड़ाते जाओ। आइए बात करते हैं अब हम एंगल बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं एंगल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। अब ये एंगल बेस्ड है क्या, हमने पैटर्न बेस्ड की बात करी, वहां पर आपको कोई एंगल नहीं दे रखा है, आपको सिंपल सर लेफ्ट राइट मुड़ाएगा और आंसर मांगेगा आपसे। बात करते हैं एंगल बेस्ड की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में कोई नहीं आएगा इस पूरे चैप्टर में, एक चिंटू ही आएगा बस। एक चिंटू है नाम, ये खड़ा है नॉर्थ की तरफ मुंह करके, कहाँ खड़ा है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके। इसे कमांड मिला है कि लेफ्ट में भैया 30 डिग्री मुड़ो, कितना मुड़ो 30 डिग्री, उसके बाद राइट में आप मुड़िए 90 डिग्री, फिर बोल दिया गया लेफ्ट में 45 डिग्री मुड़ो, फिर राइट में बोल दिया 45 डिग्री मुड़ो और फिर लेफ्ट में 60 डिग्री मुड़ने को बोल दिया जाता है, और फिर पूछा जाता है कि बताइए चिंटू अब किस डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़ा रहेगा। तो जनरली इसका जो सॉल्यूशन होगा, जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता होगा एंगल बेस्ड क्वेश्चंस का, वो यही करेंगे, ईस्ट इधर से वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। चिंटू खड़ा है आपका नॉर्थ की तरफ मुंह करके, मैं चिंटू को ले लेता हूं, नॉर्थ में खड़ा है तो ये लेफ्ट और ये राइट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अभी इसको बोला है कि लेफ्ट में 30 डिग्री मुड़ना है, लेफ्ट में 30 डिग्री मुड़ने का मतलब चिंटू यहां से सिर्फ 30 डिग्री इतना आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका 30 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां से चिंटू को कितना डिग्री मुड़ना है, 90 डिग्री मुड़ना है कि नहीं मुड़ना है, तो यहां से 90 का मतलब हो जाता है 30 तो इतना और 60 डिग्री इतना, यानी कि चिंटू अब यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां से ये आपका 90 डिग्री मुड़ लिया चिंटू राइट में। अब बात करते हैं लेफ्ट में 45 डिग्री, लेफ्ट में 45 डिग्री की अगर बात करें तो ये यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा चिंटू, ये 45 डिग्री मुड़ने के बाद चिंटू कहां गया, यहां पर आ गया। उसके बाद राइट में फिर से 45 डिग्री, यानी कि चिंटू वापस यहां से 45 डिग्री मुड़ने के बाद इसी जगह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और फाइनली यहां से लेफ्ट में कितना डिग्री मुड़ना है, 60 डिग्री मुड़ना है। और मुझे पता है कि ये 30 है, ये 60 ही होगा क्योंकि टोटल 90 है, तो यहां से अगर 60 डिग्री मुड़ाना चाहूंगा मैं, तो चिंटू कहां देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इसका आंसर है नॉर्थ डायरेक्शन। फाइनली चिंटू इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अगर ये हमने पहले ये देखा कि लेफ्ट में मुड़ रहा है फिर राइट में मुड़ा रहा है, वो अपनी जगह पर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट में अगर 30 डिग्री मुड़ा रहा है उसके बाद राइट में भी 30 डिग्री मुड़ा दे तो बात तो बराबर होगी, दोनों के दोनों पेयर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, लेफ्ट वाली कैटेगरी को उठाइए, लेफ्ट में आप बताइए 30 डिग्री है कि नहीं है, 45 डिग्री है और लास्ट में है आपका 60 डिग्री है कि नहीं है, तो यहां से टोटल लेफ्ट डायरेक्शन में अगर चिंटू मूव करना चाहेगा तो कितना करेगा आप बताइए, 135 डिग्री मूव करेगा कि नहीं करेगा।
अगर दूसरी बात करूं मैं राइट की, तो राइट में चिंटू जा रहा है 90 डिग्री, और उसके बाद एक जा रहा है 45 डिग्री। अब चिंटू राइट में टोटल कितना डिग्री जा रहा है, 135 डिग्री जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां से लेफ्ट में टोटल 135 आ रहा है, और यहां से राइट में भी टोटल 135 आ रहा है। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो चिंटू कहीं नहीं मुड़ेगा। इसका मतलब चिंटू जहां देख रहा था वहीं देखता रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? कहां देख रहा था? नॉर्थ में। और चिंटू की फाइनल फेसिंग में क्या आ जाएगी? नॉर्थ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है। आप देखिए, लेफ्ट को जोड़ो, राइट को जोड़ो, जिसका वट ज्यादा उधर मोड़ो। वट का मतलब होता है वैल्यू, उधर मोड़ो। तो सिंपल सा, हमने लेफ्ट को जोड़ लिया, राइट को जोड़ लिया। अब यहां पर किसी की भी वैल्यू ज्यादा नहीं है, दोनों क्या है, बराबर। मतलब कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जहां आदमी रखा हुआ था वहीं रखा रहेगा। इसका मतलब नॉर्थ आ गया कि नहीं आ गया? आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, एंगुलर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए चिंटू इस बार देख रहा है साउथ में देख रहा है। इसे बोला गया लेफ्ट में 45 डिग्री मुड़िए, उसके बाद राइट में 90 डिग्री, देन लेफ्ट 135 डिग्री, देन राइट 45 डिग्री मुड़ना है, उसके बाद आपको लास्ट में राइट में 30 डिग्री मुड़ना है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और अब आपसे पूछा है कि बताओ चिंटू फाइनली किस डायरेक्शन में फेस करेगा? तो सिंपल सा फंडा है, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ लूंगा, लेफ्ट और लेफ्ट मिलकर टोटल ये कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेफ्ट में? और अगर राइट की बात करें तो राइट में कितना हो रहा है, 90 45 प्लस 30, टोटल राइट का जो है वो कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13, 135 और 165 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ किसका वट ज्यादा? हमने लेफ्ट को जोड़ो राइट को जोड़ो कर लिया, अब ध्यान से देखो आप, लेफ्ट का वट ज्यादा है कि नहीं है, और कितना ज्यादा है, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री अगर मैं करूं तो मुझे 15 डिग्री मिलता है कि नहीं मिलता है? इसका मतलब चिंटू वट किसका ज्यादा है, उधर मोड़ना है, वट किसका ज्यादा, लेफ्ट में। यानी कि चिंटू कहां मुड़ेगा, लेफ्ट में 15 डिग्री मुड़ेगा। अभी कहां देख रहा था, साउथ की तरफ देख रहा था, मतलब ऐसे देख रहा था, इसका हैंड कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट, ये हो जाएगा, और लेफ्ट में 15 डिग्री मुड़ाना है। इसका मतलब अब ये चिंटू कहां देख रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखेगा कि नहीं देखेगा? मैंने बताया था आपको, 1 डिग्री भी हो, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 15 20 डिग्री, जो भी है, ये पूरा रीजन किसका होता है, साउथ ईस्ट का। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि चिंटू अब फाइनली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एंगल बेस्ड पे, ये आपका बिल्कुल फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फॉरवर्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको इनिशियल पोजीशन दे रखी होती है किसी पर्सन की, कि नॉर्थ में देख रहा है, ईस्ट वेस्ट जहां पर भी देख रहा है, और आपको एंगल्स दे देता है कि लेफ्ट में इतना डिग्री, राइट में इतना डिग्री, और आपसे फाइनल फेसिंग पूछता है। लेकिन इसका रिवर्स क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रिवर्स क्वेश्चन में क्या होता है, आपको फाइनल पोजीशन देता है और उसके बाद ये पूछता है कि बताओ चिंटू इनिशियली देख कहां रहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, बहुत ही आसान होते हैं ये क्वेश्चंस। अगर आपको ये सिंपल से कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत ही चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन लेते हैं, अ मैन रोटेट्स 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अगेन 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ ही रोटेट्स 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फाइनली ही रोटेट्स Finally, he rotates 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Now, he finally
फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग, ही वॉज फेसिंग इनिशियली, इनिशियली। तो बच्चा क्या करेगा, आप देखो सीधी सी बात है, आपको क्या क्या दे रखा है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखा है, अगेन 120 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड फाइनली 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखा है। तो बच्चा वही बेसिक सा मेथड लेके चलता रहेगा, इसको उल्टा करने की कोशिश करता है। हमें दे रखा है कि अब ये कहां देख रहा है, फाइनली फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि अब चिंटू इतना घूम फिराने के बाद नॉर्थ में देख रहा है। तो बच्चा क्या करता है, उल्टा चलता है कि 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है तो मैं उसको 30 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा, फिर उसके बाद 120 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा है तो मैं उसको वहां से 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, आप सिंपल सी बात है, आप लिख लीजिए जो जो आपको डायरेक्शन दे रखे हैं, एक आपको डायरेक्शन दे रखा है क्लॉकवाइज का, दूसरा आपको डायरेक्शन दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक है। तो बात करते हैं क्लॉकवाइज की, तो 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया कि नहीं हो गया, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से राइट, अगर मैं ऐसे खड़ा हूंगा तो क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में लिख लो इसको। उसके बाद दे रखा है 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लो। उसके बाद दे रखा है आपको 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिख लो। अब मेरे को बात बताओ, टोटल क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो क्या ये 150 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, अगर टोटल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा। भैया वट किसका ज्यादा है, क्लॉकवाइज का ज्यादा है कि नहीं वट, ठीक है, और कितना ज्यादा है, 30 डिग्री ज्यादा है। अब ऐसा करने के बाद ये कहां देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अच्छा, अगर 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर ये नॉर्थ में आया है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर अगर ये नॉर्थ में आया है, तो अगर मैं इसे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो क्या इसकी इनिशियल पोजीशन नहीं आ जाएगी क्या। तो यहां से क्लॉकवाइज का वट ज्यादा है, लेकिन रिवर्स क्वेश्चन पूछा है तो हमें कौन से डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, और 30 डिग्री घुमाऊंगा तो बंदा कहां आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में, और यही आपकी क्या थी, इनिशियल फेसिंग, इनिशियल फेसिंग ऑफ द चिंटू। तो रिवर्स क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा हमने एंगल बेस्ड में पढ़ा, जो फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे बनते हैं। आप कुछ मत करिए, आप जो भी क्लॉकवाइज दे रखा है, लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह जो भी है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को अलग से लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज को बिल्कुल अलग से लिखिए, दोनों में देखो वट किसका ज्यादा है। यहां से हमें क्या पता पड़ रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वट ज्यादा है, लेकिन रिवर्स क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा है कि इनिशियली कहां देख रहा था, तो क्लॉकवाइज अगर आपका वट ज्यादा आ रहा है और रिवर्स क्वेश्चन है तो इसे एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री घुमाकर आप इनिशियल फेसिंग निकाल सकते हो इजीली, बिल्कुल इजीली। इसमें आप पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, अगर बिल्कुल सिंपल से आपको डेटा दे रखे होते हैं, बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इतना 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 इतना, और रिवर्स डायरेक्शन में है तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करके आप फाइनल फेसिंग निकाल सकते हैं। तो एंगल बेस्ड पे हमने दो क्वेश्चन पढ़े, एक तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा फाइनल फेसिंग पूछता है, और एक आपको फाइनल फेसिंग देकर इनिशियल फेसिंग पूछता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमारा दूसरा जो पॉइंट था एंगल बेस्ड वो इतना ही था। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन इल्यूजन की, किसकी, डायरेक्शन इल्यूजन।